हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी बिहार पुलिस के लिए मैथ का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आज मैथ में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। देखिए किस तरह का क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में बन सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि 4 के पावर 7 दिया हुआ है और 4 के पावर 5 और 4 के पावर 6 और 4 के पावर 4 का एलसीएम बताना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस तरह का निकलेगा, तो एलसीएम में जानते हैं कि सबसे जो ज़्यादा पावर है उसका लिखाएगा। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो 4 के पावर 7 है, तो 4 के पावर 7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम में जिसमें पावर ज़्यादा है वो उसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट है कि 7 के पावर 8, 7 के पावर 6 और 7 के पावर 5 और 7 के पावर 10 दिया हुआ है का एचसीएफ बताना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किस तरह का निकलेगा इसका, तो एचसीएफ में क्या होता है कि जिसका पावर कम होता है, तो इसके पावर में कौन सा कम है, तो 7 के पावर 5 ये कम है, तो इसका आंसर 7 के पावर 5 हो जाएगा। इस तरह का इसको आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि 5 के पावर -11 और 5 के पावर -9 और 5 के पावर -16 और 5 के पावर -10 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। तो इसका किस तरह बनेगा, तो सबसे पहले इसको एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, जिसके पावर ज़्यादा रहता है वो हो जाएगा। इसमें देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो सबसे बड़ा संख्या तो माइनस में है, तो सबसे कम पावर वाला सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो एलसीएम में इसमें से सबसे कम देखिए -9 वाला है, तो -9 हो जाएगा, 5 के पावर -9 ये एलसीएम हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ में सबसे छोटे संख्या लिखाता है, तो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला सबसे छोटी संख्या है, तो 5 के पावर -16 है, ये हो जाएगा एचसीएफ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 के पावर -9 और 5 के पावर -16 एलसीएम और एचसीएफ इसका आंसर। देखिए फिर नेक्स्ट पूछा गया है कि 2 के पावर Q × 3 के पावर Q गुना 5 के पावर² है। उसके बाद दिया हुआ है 2 के पावर 2 × 3 के पावर 4 × 5 × 7। उसके बाद दिया गया है 2 × 3 के पावर 5 × 7 के पावर 9 क्या निकालना है, तो लासा निकालना है। लासा बोले तो एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में किस तरह के बनाएंगे, तो एलसीएम में जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वो आंसर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 का अंक देखते हैं। देखिए 2 के पावर 3 है, इसमें 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा है, सबसे ज़्यादा पावर वाला, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 में देखते हैं 3 के पावर 3, 3 के पावर 4 यहाँ है, 3 के पावर 5 है, तो इसमें हो जाएगा 3 के पावर 5 सबसे ज़्यादा पावर वाला रहेगा। अब इसमें देखेंगे 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है, इसमें नहीं है, तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद जो भी बचा हुआ है वो भी लिखा जाएगा। देखिए 5 इसमें है, तो 5 तो लिखा गया पावर वाला, और 7 है तो 7 लिख देंगे, और 7 के पावर 9 है, तो इसमें से दोनों पावर कौन सा ज़्यादा है, 7 के पावर 9, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह के इसको आप बना सकते हैं। जो भी ज़्यादा पावर रहेगा एलसीएम में, जो जो ज़्यादा पावर है वो भी लिखा जाएगा और जो बचा हुआ है वो भी लिखा जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह के आप इसको बना सकते हैं। देखिए एक और देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि 10 a² b c, उसके बाद दिया गया 15 a b c² उसके बाद 20 a² b² c का लघुत्तम समवर्तक निकाले, यानी एल सी एम निकालना है।
तो एलसीएम निकालेंगे इसको किस प्रकार, देखिए तो सबसे पहले इसको अंक ले लेंगे, अंक में देखिए 10 है, 15 है, 20 है, तो 10 15 का 20 का एलसीएम कितना हो गया, देखिए 10 15 20 का एलसीएम कितना हो गया, 2 से 5, उसके बाद 15, उसके बाद 10, उसके बाद 5 से कटेगा, 5 5 से 15, 5 दूनी 10, तब 5 दूनी 10, 10 से 30, 30 दूनी 60, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट देखेंगे, ए स्क्वायर है, उसके बाद एक ए है, उसके बाद ए स्क्वायर है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला रहेगा इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद बी है, बी है, बी स्क्वायर है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला बी स्क्वायर हो जाएगा। सी में देखिए यहाँ एक पावर है, यहाँ दो पावर है, यहाँ एक पावर है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला सी, इसका 60 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के इसको आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद।